जय श्री कृष्ण साथियों, हमारी इस प्रस्तुति का नाम है शबरी की साधना। शबरी जाति से भिन्नी थी, किंतु उसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति कूट कूट कर भरी थी। जहाँ वह रहती थी उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। शबरी सदैव ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने को इच्छुक रहती थी। अनेक ऋषियों ने उसे नीच जाति की होने के कारण कथा सुनाना स्वीकार न करके दुत्कार दिया था, किंतु इससे शबरी के हृदय में न तो कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ और न ही निराशा। एक दिन शबरी ने ऋषियों की सेवा करने की एक युक्ति निकाल ली। वह प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम से लेकर नदी तक का पथ बुहार कर कुछ कंटकों से रहित कर देती और उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर आश्रम के सामने रख देती। शबरी का यह क्रम महीनों तक चलता रहा, किंतु किसी ऋषि को यह पता नहीं चला कि उनकी यह सेवा करने वाला कौन है। शबरी आधी रात को ही जाकर अपना काम पूरा कराती थी। ऋषियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने शबरी को बहुत बुरा भला कहा और भविष्य में ऐसा करने पर शापित होने का भय भी दिखाया। लेकिन मतंग ऋषि से यह नहीं देखा गया। वे शबरी को अपनी कुटिया के समीप ठहराने के लिए ले आए। शबरी अपनी सेवा साधना करती रही। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान उस वन में आए तो उन्होंने मतंग ऋषि की सराहना की और सबसे पहले उन्हें ही छाती से लगाया। वे शबरी की कुटिया में स्वयं गए और उसका आतिथ्य स्वीकार किया। भगवान उन्हें ही सर्वाधिक प्यार करते हैं जो तप साधना की आत्म प्रवंचना में डूबे न रहकर सेवा साधना को सर्वोपरि मानते हैं। जय श्री कृष्णा।